अलवर के बानसूर में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर दोनों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 70 साल में देश को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बड़ी पार्टियां आज़ादी के बाद पूंजीपतियों और धन सेठों की भरोसे से चल रही है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी सभी लोगों को एक साथ लेकर चल रही है और यह पार्टी केवल अपने दम पर चुनाव लड़ती है, वहीं जीतने के बाद गरीब और असहाय लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। इसी क्रम में उन्होंने बानसूर बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव के समर्थन में लोगों से अधिक जनसंख्या में वोट करने की अपील की है। वहीं इस पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद राजस्थान की सभी समस्या दूर करने का भी उन्होंने वादा किया है। केंद्र में आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं